Hello everyone, welcome to Team Robolution. Today we are going to learn about different modes of timer IC, that is IC555. लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ टाइमर आईसी के बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे कि ब्राइटबोर्ड में 3 सर्किट्स हैं। फर्स्ट सर्किट की LED ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो रही है। सेकेंड सर्किट में हम उसे मैनुअली ऑन और ऑफ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। एंड थर्ड सर्किट में हम उसे ऑन तो कर रहे हैं बट वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जा रही है। डू यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल 3 सर्किट्स? सो इट इज़ दैट वी यूज ओनली टाइमर IC इन ऑल 3 सर्किट्स। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जब हम सेम IC को यूज़ कर रहे हैं तो वो 3 डिफरेंट मोड्स में कैसे कंट्रोल हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से और पेशेंस के साथ एंड तक देखनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मोड विच इज स्टेबल मोड। स्टेबल मोड जो होता है वो एक ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। डेट मीन्स इट कंटिन्यूसली जनरेट रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट वर्क्स, means how its internal circuitry works. In this, जैसे ही हम power apply करते हैं, current RC network से flow होना start हो जाता है. That is from R1, R2 and C. Capacitor starts charging and voltage builds up. ये voltage trigger pin और threshold pin में जा रहा है, जो कि comparator B का inverting terminal है और comparator A का non-inverting terminal है. When capacitor charges up to 1.66 volt, then output of comparator B become low. And when the capacitor charges up to 3.34 volt, then output of comparator A become high. Now reset pin is high and set pin is low, then definitely Q bar is high only. अब जो Q bar है वो high है और जब ये हाई सिग्नल आउटपुट बफर से पास होगा तो ये टोटल इंटरनल आउटपुट को लो कर देगा, जिससे कि हमारी LED जो होगी वो ऑफ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस क्यू बार पर जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है और जिससे कि वो एक क्लोज पाथ फॉर्म कर लेगा एंड आवर कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। नाउ जैसे ही कैपेसिटर 3.3 वोल्ट तक रीच करेगा, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर ए बिकम स्लो और जब कैपेसिटर 1.65 वोल्ट तक रीच करेगा, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर बी बिकम्स हाई। नाउ रिसेट पिन इज लो एंड सेट पिन इज हाई, देन डेफिनेटली क्यू बार इज लो ओनली, देन आउटपुट बफर गोज हाई एंड आवर LED टर्न्स ऑन। जब फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लो होता है देन ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑफ एंड देयर इज नो डिस्चार्जिंग पाथ। दिस इज हाउ आर स्टेबल मोड्स वर्क। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड मोड विच इज मोनो स्टेबल मोड विच इज ऑल्सो नोन एज वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। एज इट नेम साउंड इट हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट एंड इट स्विच टू द अनस्टेबल स्टेट वन एवर इट गेट्स ट्रिगर्ड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। स्टेबल स्टेट मीन्स आउटपुट इज लो। अब ये तब तक अपनी स्टेबल स्टेट में रहता है जब तक ट्रिगर पिन में नेगेटिव पल्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करते हैं देन आउटपुट ऑफ लोअर कंपैरेटर विल बी हाई एंड आउटपुट ऑफ अपर कंपैरेटर बिकम्स स्लो, देन क्यू बार बिकम्स स्लो। हमने लास्ट केस में देखा कि जब क्यू बार लो होगा डेट मीन्स आर LED टर्न्स ऑन एंड ये एक प्री डिटरमाइंड ड्यूरेशन के बाद अपने स्टेबल स्टेट में आ जाता है एंड इट रिमेन्स इन इट ओनली अंटिल वी अप्लाई द नेगेटिव ट्रिगर पल्स। नाउ आर नेक्स्ट मोड एंड द लास्ट मोड इज बायस स्टेबल मोड विच इज ऑल्सो नोन एज द फ्लिप फ्लॉप सर्किट। इन दिस देर आर 2 स्टेबल स्टेट, डेट मीन्स इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट अंटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल ट्रिगर।
अदरवाइज वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। इस सर्किट में कोई आरसी नेटवर्क नहीं होता है बिकॉज हियर देयर इज नो नीड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, इट सिंपली वर्क्स एज अ फ्लिप फ्लॉप। दिस सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय टू पिन, फर्स्ट पिन इज ट्रिगर पिन एंड सेकेंड पिन इज रिसेट पिन। एज वी नो ट्रिगर पिन इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ लोअर कंपैरेटर एंड रिसेट पिन इज यूज्ड टू रिसेट द आरएस फ्लिप फ्लॉप। हियर वी यूज टू स्विचेस S1 एंड S2। S1 ट्रिगर पिन से कनेक्ट है एंड S2 रिसेट पिन से। नाउ जब हम स्विच 1 को प्रेस करेंगे तो वो ट्रिगर पिन को ग्राउंड कर देगा और लोअर कंपैरेटर का आउटपुट हाई हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस क्यू बार गोज लो एंड आर LED टर्न्स ऑन। नाउ इफ वी प्रेस द स्विच 2 देन इट इज अ रिसेट पिन एंड इट रिसेट द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप एंड आर LED टर्न्स ऑफ। दिस इज हाउ आर बायस स्टेबल मोड वर्क। आउटपुट ऑफ डिफरेंट वेवफॉर्म्स आर शोन इन द डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।